7 महीने कंप्लीट हो गया है मिनोक्सिडाइल का सॉल्यूशन लगाते हुए। अराउंड 4.5 मंथ के लिए मैंने मोरएफ का 10% से स्टार्ट किया था। अराउंड उसके बाद से 3.5 महीना हो गया है। मैं हेयर फॉर यू 5% सॉल्यूशन लगा रहा हूँ। इस पे मिनोक्सिडाइल 5% है, फिनेस्ट्राइड 0.1% है। इसको टॉपिकली अप्लाई करता हूँ, प्लस जो इसके साथ मल्टीविटामिन ले रहा हूँ वो आप लोगों को मालूम है। फॉलियर न्यू टैबलेट है। अराउंड मैं अभी 4.5 महीने के लिए रेगुलर लिया था, उसके बाद से अभी थ्राइस अ वीक ही मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ। नो डाउट इन इट, मिनोक्सिडाइल जब भी लगाते हैं तो बाल बहुत रफ हो जाते हैं, डेंड्रफ ज़्यादा बढ़ जाता है और बाल में इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है। उससे कॉप अप करने के लिए बहुत अच्छा शैम्पू मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया है, जिसने नहीं देखा मैं लिंक शेयर करूँगा, वो शॉली देखें। उसके लिए मैं ये यूकॉट का शैम्पू है, प्लस अगर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशनर यूज़ करना पड़ता है, बट ये शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बालों में सिल्कीनेस शॉली प्रोवाइड करेगा, रफनेस, ड्राइनेस, इलास्टिसिटी देगा बालों में, प्लस डेंड्रफ, अगर माइल्ड डेंड्रफ है तो कंट्रोल शॉली करेगा। इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं भाई लोग कि मिनोक्सिडाइल के साथ हमें हेयर ऑयल यूज़ करना है कि नहीं। तो मैं हेयर ऑयल यूज़ करता हूँ थ्राइस अ वीक। जिस दिन भी शैम्पू करना पड़ता है उसके 2-2.5 घंटे पहले मैं ये वाओ ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल से बालों को मसाज करता हूँ अच्छे से, और अराउंड 2 महीने के बाद यूकॉट शैम्पू से वॉश करता हूँ। और पूरे 7 महीना हो गया ये सब करते हुए, और आज मैं अपना रिव्यू, जो हेयर फॉल कितना हो रहा है, हेयर की थिकनेस कितनी बड़ी है, डायमेंशन कितना बड़ा है, कॉन्फिडेंस मेरा कितना बड़ा है, मैं मिनोक्सिडाइल कब तक यूज़ करने वाला हूँ, और ये मिनोक्सिडाइल लगाते हुए मुझे कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो भाई लोग ये वीडियो शॉली देखें, और जो भी भाई नया है ये चैनल में एक सब्सक्राइब शॉली करें। सबसे पहले बोला जाए तो 7 महीने कंप्लीट हुआ है, नो डाउट इन इट, मिनोक्सिडाइल यूज़ करते हैं इतने लॉन्ग पीरियड के लिए तो बालों में डेंड्रफ, इचीनेस, ड्राइनेस, रफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये शॉली सब कोई फेस करते हैं इतने टाइम, 6-7 महीने या 1 साल के बाद, वो भी मैंने फेस किया, बट शैम्पू अच्छा यूज़ किया तो ये इससे मैं कॉप अप कर पाया। अभी मुझे रिजल्ट कितना मिला है मेरा, आपको डायरेक्टली बोला जाए तो 2.5-3 साल पहले जो वीडियो अपलोड है वो देखें, मिड स्कैल्प एरिया, वर्टेक्स एरिया कितना खाली था आप देखें, और कमेंट में शॉली कमेंट करें कि मुझे कितना इम्प्रूवमेंट मिला है। ये वीडियो भाई लोग अराउंड 3 साल पहले की वीडियो है जो यूट्यूब पे पहले अपलोड किया है, मिड स्कैल्प एरिया कितना खाली था 2.5-3 साल पहले, वो क्लियर विजिबल है इस पर, प्लस हेयर कितने वीक थे इस पे देखिए भाई लोग, मिड स्कैल्प एरिया पूरा खाली दिख रहा है, ऑल्दो मैं बाहर भी नहीं हूँ रूम में ही हूँ फिर भी मिड स्कैल्प एरिया कितना खाली दिख रहा है वो विजिबल दिख रहा है, पूरा मिड स्कैल्प एरिया हेयर लाइन डैमेज्ड वेरी क्लियर इट इज़ इस पे। ये देखिए इसमें भी, ये वीडियो में भी पूरा क्लियर है कि मिड स्कैल्प एरिया कितना खाली हुआ है, और अभी का आप कंपैरिजन करेंगे तो इम्प्रूवमेंट शॉली विजिबल हो जाएगी आपको भी। एक लुक वाइज भी देखा जाए तो पूरा डैमेज्ड हेयर दिख रहा है। आपने अराउंड 2.5-3 साल पहले का वीडियो मेरा देखा, मैं कितना बाल्डनेस से फेस कर रहा था, कितना हेयर फॉल हो रहा था, बाल्डनेस पूरा क्लियर था उस पर। और अराउंड 1 साल बाद जिसमें मैंने ऑल्दो बाल कटिंग कराया है पर कितना ज़्यादा बाल्डनेस था, पिछले साल का ही है कुछ पिक्स, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और देखिए मुझे कितना इम्प्रूवमेंट मिला है। ये सारी वीडियो भाई लोग अराउंड 1-1.5 साल पहले के हैं, देख सकते हैं बाल्डनेस कितना क्लियर था, ऑल्दो बाल छोटे हैं फिर भी बाल्डनेस कितना क्लियर है वो विजिबल है, पूरा फ्रंटल हेयर लाइन डैमेज दिख रहा है, मिड स्कैल्प एरिया पूरा खाली दिख रहा है, बट जैसे जैसे मैंने मिनोक्सिडाइल यूज़ करना शुरू किया ये फिलअप होना शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं कैसे कैसे फिलअप हुआ, ये अराउंड 3 महीने पहले की पिक्स थी, 4 महीने पहले की, और ये करंट पिक्स है।
ये वीडियो आपने देखा पिक्स कितना ज़्यादा मेरे को अराउंड 4 ग्रेड का बाल्डनेस शॉली हो गया था, उससे मैं मिनोक्सिडाइल फॉली हेयर प्लस शैम्पू और हेयर ऑयल से रिजल्ट मिल पाया है। अभी थोड़ा क्लोज लुक ले लीजिए कितना मुझको इम्प्रूवमेंट मिला है, उसके लिए आप लोगों को भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मैं रिज़ल्ट शेयर कर रहा हूँ कि नहीं। ये छत पे है तो क्लियर रिज़ल्ट शेयर कर रहा हूँ भाई लोग। इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है ये देखिए, ये एरिया ऑल दो इसको इम्प्रूव करने के लिए ही मैं अभी PRP सेशन ले रहा हूँ। रिज़ल्ट शॉली मिला है, अच्छा मिला है, और देखो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इन कंपेयर टू व्हाट आई वाज। PRP सेशन का वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है, वो शॉली देखें और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट शॉली करें कि आपको मेरा इम्प्रूवमेंट कितना परसेंट आपको लगा। बाल इतने बड़े नहीं हैं और बाहर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू मिले, है ना भाई लोग। आज के 7 महीने का अगर बोला जाए कितना हेयर फॉल हो रहा है मेरा, तो अराउंड पर डे 15 से 20 बाल ही गिरते हैं। नो डाउट इन इट, मिनोक्सिडाइल से बोला जाता है कि हेयर फॉल कंट्रोल होता है, पूरा कम नहीं होता है, और ये क्लियर है। जो 10 से 12 15 बाल जो नॉर्मली गिरते हैं वो शॉली गिरते रहेंगे। डेंड्रफ कितना है सेकंड पॉइंट पे देखा जाए तो डेंड्रफ के भाई बोला जाए तो नो डाउट इन इट डेंड्रफ थोड़ा बढ़ रहा था। रेनी सीज़न है, डेंड्रफ शॉली बढ़ता है, हेयर फॉल शॉली होता है। उसको कॉपअप करने के लिए अच्छा शैम्पू है, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो शॉली रिजल्ट देता है। और कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है भाई लोग, आप मेरा लुक चेंज कर देख सकते हो कितना चेंज हुआ है फ्रॉम व्हाट आई वाज 3 साल पहले कितना चेंज हुआ है। लुक चेंज हुआ है, कॉन्फिडेंस ग्रोम अप हुआ है, तो जिसके कारण ही मैं आप लोगों के साथ अपने इम्प्रूवमेंट के वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ। इसके अलावा भाई लोग क्वेश्चन शॉली रेज होता है कि हेयर फॉल हो गया, डेंड्रफ हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, थिकनेस कितनी बड़ी है आपकी बालों की, तो भाई लोग थिकनेस डायमेंशन वाइज बहुत अच्छी हुई है बालों के, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। देखो कितने बाल भी क्लियरली मोटे दिख रहे हैं थिकनेस वाइज, इनमें शॉली इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा पहले से हुआ है। तो भाई लोग ये पॉइंट आप लोगों को मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, मिनोक्सिडाइल का रिज़ल्ट कितना मिला है 7 महीने के बाद। और अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट शॉली करें और मैं आप लोगों के साथ कमेंट का शॉली रिवर्ट करूँगा, है ना भाई लोग। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो एक शेयर शॉली करें। चलें आज